जय हिंद साथियों, अगर आपने हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर एंड वर्कशॉप, जिसे कर्मशाला, प्रधान चालक, सहायक परिचालक के नाम से जानते हैं, अगर आपने उसका फॉर्म भरा था तो मैं आपको बता दूं, हालांकि तो एग्जाम डेट था वो हमारी यूपीपीआरबी ने क्या पहले क्लियर कर दिया था कि हम जनवरी के लास्ट तक लेंगे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट डेट क्लियर कर दिया है कि 29 जनवरी से एंड 10 फरवरी के मध्य में आपका 2024 में क्या है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो तीनों नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड होगा। देखिए, एग्जाम डेट तो उन्होंने क्लियर किया है, साथ में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है, कई सारी चीज़ों को खुलासा उन्होंने कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो चलकर आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये तीनों नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करके पढ़िएगा, सब में तीनों चीज़ क्या है, सेम ही, लेकिन खाली इनका नाम चेंज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, सिलेबस हो, हर सारी चीज़ें लगभग में सेम है, सिलेबस थोड़ा सा खाली डिफरेंट है। बाकी जो आपका न्यूज आई है, एक मैं क्लिक कर लेता हूँ, और जो सबका जो एग्जाम डेट वगैरह है एक ही माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आपका जो हम एग्जाम है वो क्या है, कंडक्ट करवाएंगे। जब आप अच्छे से मेरे मित्र देखोगे तो जब आप नोटिफिकेशन ये फर्स्ट पेज ही पर अच्छे से देखिए, यहाँ पर जब आप एग्जाम डेट के बारे में देखते हो तो इसमें साथ ये देखिए, पहले नोटिफिकेशन कब का है, तो ये 1 जनवरी 2024 का है, और ये 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड के माध्यम से कंडक्ट हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखोगे तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु क्या है, प्रक्रिया के लिए उन्होंने कुछ चीज़ बता दिया है, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका हिंदी होगा, आपको पता है हिंदी होगा, ये सब चीज़ होगा। ये कितने नंबर के होंगे, तो होंगे 400 नंबर के, यानी हर सेक्शन 100 नंबर का इन्होंने पहले क्लियर किया था। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर किया है कि हम कितने प्रश्न पूछने वाले हैं, क्योंकि आप टेस्ट बुक हो, ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, वहाँ पर आपको क्या है, टोटल के टोटल 200 नंबर दिए जा रहे हैं, 200 क्वेश्चन के दिए जा रहे हैं, 50 50 का सेक्शन दिया जा रहा है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये जो 160 क्वेश्चन होगा 400 नंबर का होगा, एंड ये क्या है, 2.5 घंटा यानी 150 मिनट आपको समय मिलेगा। लेकिन इसमें आपको जी ध्यान देना है मेरे मित्र, इसमें जो आपका 50% मार्क्स जब नोटिफिकेशन 2022 में आया था तो उसमें भी क्लियर था, और इसमें भी क्लियर है कि आपका 50% मार्क्स क्या होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, यानी कि एक जो एक अधिकतम अंक है 100 का है, तो उसमें से 50 होना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में 50-50 होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो कॉपी है आप फेल माने जाओगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो और एक चीज़ आप पर अच्छे से देख लीजिए, हर क्वेश्चन के लिए क्या है, 2.5 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 2.5 मार्क्स दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, दिस फॉर्म ये नो निगेटिव मार्किंग, यानी इस फॉर्म में क्या है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से देखिए, जो आपका लैंग्वेज होगा वो हिंदी को हिंदी में लिखा रहेगा, बाकी आपका जो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, ये सब जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका मोटा मोटा हो गया। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ चीज़ यहाँ पर दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो विभिन्न पालियों में कंडक्ट होगा, तो उसे कहा, जब एक से अधिक पालियों में चीज़ें होती हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, और अगर 4 5 10 पालियों में होता है तो भर भर के नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अच्छे से आप देख लीजिए, और ये नॉर्मलाइजेशन का ये चीज़ें प्रस्तावित है, और अगर आपका अगर आपने सही डेटा फॉर्म भरते समय अगर आपने चीज़ों को सही अपलोड किया था, सही जानकारी अगर आपने सबमिट किया था, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसमें जब आप देखोगे तो जो आपका एडमिट कार्ड का डेट नहीं दिया हुआ है, जहां तक मैंने पढ़ लिया है पूरा नोटिफिकेशन, इसमें कहीं पर आपको एडमिट कार्ड का डेट नहीं दिया है, दिनांक नहीं दिया है, तो आप वर्णित अनुसार अपनाई जाएगी है ना, 18/12/2023 ने इन्होंने क्या है नोटिफिकेशन अपनाना था, उन्होंने क्या निकाला था उसमें नॉर्मलाइजेशन का बताया हुआ था। इसमें जब आप पूरा पढ़िएगा, इसमें एडमिट कार्ड का डेट नहीं दिया, एडमिट कार्ड का जिसे डेट आता है, अब देखिए 29 तक है तो कम से कम 4 5 यानी 25 तक आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ये मानकर आपको चलना है। एडमिट कार्ड कब भी आए वो जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपकी जो तैयारी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी तैयारी करिए। कांस्टेबल का इसका आपके सामने 3 3 4 4 वैकेंसियाँ हैं, तो आप किसी न किसी में सेलेक्ट होइए और अपना एक सीट पक्का करिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप एक में पक्का कर ले पा रहे हैं, यानी अगर आप कट ऑफ से आपका मार्क्स अधिक है, तो मेरे मित्र कोई दूसरी वैकेंसी मत लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई गरीब घर का बच्चा क्या है नौकरी आपके जगह पर पा जाएगा। तो अगर आप इनमें सेलेक्ट हो जाएंगे 10 4 हालांकि, तो क्या उसमें आप फिजिकल वगैरह कांस्टेबल में मत दीजिएगा, एक चीज़ कहेंगे, बाकी आपकी इच्छा। तो चलिए मित्रों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आते तो आपको मिल जाए। समय समय पर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आते तो आपको मिलता रहे समय समय पर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।